हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लॉजिक गेट क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होता है। देखिए, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि लॉजिक गेट्स क्या होता है, तो ये डिजिटली नंबर पर वर्क करता है, या मैं बोलूँ ये बाइनरी नंबर पर वर्क करता है। आपको पता होगा बाइनरी नंबर हमारे 0 और 1 होता है, ये इसी के अकॉर्डिंग अपना परफॉर्मेंस करता है, या मैं बोलूँ अपना ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, हमारे डिजिटली वर्क क्या होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि जो ये है, हमने यहाँ पे वोल्टेज क्या दिया, 0 दिया, तो यहाँ पे हमारा ये लो रहेगा। और जब हमको हम इस पे वोल्टेज 1 देंगे, यानी कि हाई देंगे वोल्टेज, तो हमारा ये 1 हो जाएगा, हमारा ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो गया ना यहाँ पे 1। और फिर जब हम इसको वोल्टेज लो देंगे, ये फिर से कम हो जाएगा, ये हो गया ना यहाँ पे। और फिर हम इसको वोल्टेज हाई कर देंगे, ये फिर 1 हो जाएगा, यानी कि ये हाई और लो वोल्टेज पर वर्क करता है। इसके 2 लेवल होते हैं वोल्टेज के, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। और जब हम वोल्टेज को लो करते हैं तो ये 0 कर देता है, और जब हम इसको हाई करते हैं तो ये यहाँ पे 1 परफॉर्मेंस करता है। या हम बोल सकते हैं जो हमारी 0 होती है वो लो वोल्टेज होती है, और जब ये 1 को इंडिकेट करता है तो हमारी वोल्टेज हाई होती है। तो ये इसी के अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस। सिंपल वे में भी बताऊं कि लॉजिक गेट्स क्या होता है, आपको ये पता ही चल गया कि ये डिजिटल नंबर पर वर्क करते हैं, या मैं बोल सकता हूँ ये बाइनरी नंबर पर वर्क करते हैं, 0 और 1 पर। और ये इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप होता है, और ये परफॉर्मेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू गेट, कि हमारा यहाँ पे कौन सा गेट है और उसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, ये उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑपरेशन करता है, और फिर हमको यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। और इसमें मोस्टली क्या होता है, हमारे 2 इनपुट होते हैं और 1 आउटपुट होता है, और ये अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पे हमारा गेट लगा होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। तो आइए अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे लॉजिक गेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, जो हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ, ओर गेट। आइए अब हम देख लेते हैं ओर गेट क्या होता है। मैंने यहाँ पे इसका सिंबल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसमें 2 इनपुट है ए और बी, और ये यहाँ पे है, और जो हमको यहाँ पे आउटपुट मिलता है ए प्लस बी में मिलता है। आपको ये और गेट में याद रखनी है ये बात, इसको हम बूलियन एक्सप्रेशन भी बोल देते हैं, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। और आपको एक बात और याद रखनी है, जैसे हमारी ये 0 और 0 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा 0 आता है, और 0 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो 1 आता है, और 1 और 0 को ऐड करते हैं तो हमारा 1 आता है, और 1 और 1 को हम ऐड करते हैं तो हमारा 1 आता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल ए बी और वाई, हमने सबसे पहले क्या किया, 0 दिया, और बी में भी हमने 0 दिया, जो यहाँ पे है हमने यहाँ पे 0 दिया, और यहाँ पे भी हमने 0 दिया, तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, वाई इज इक्वल टू 0 मिलेगा, क्योंकि 0 0 क्या होता है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी है ना, तो ए की जगह हमने यहाँ पे क्या रखा, 0, बी की जगह भी हमने क्या रखा, 0। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। फिर हमने क्या किया, ए पर 0 दिया और बी पर 1, यानी कि ए पर हमने लो वोल्टेज अप्लाई की और बी पर हमने हाई वोल्टेज अप्लाई की, तो हमको आउटपुट में मिल जाएगा 1, क्योंकि 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही यहाँ पे 1 0, जब हमने ए पर हाई वोल्टेज अप्लाई की और बी पर लो वोल्टेज अप्लाई की तो हमको आउटपुट पर 1 मिल जाएगा। फिर हमने 1 और 1 अप्लाई किया तो हमको आउटपुट में 1 मिल जाएगा। ये इसकी यहाँ पे ट्रूथ टेबल होती है। अब हम बात कर लेते हैं एंड गेट की। इसका ये सिंबल होता है ए और बी, यहाँ से हम इनपुट अप्लाई करेंगे और हमको ये यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड हो जाएगा वाई पर। और इसका जो हो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो होता है वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी। उसमें क्या था, और गेट में वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी था, लेकिन इसमें ए इंटू बी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम 0 और 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, 0 और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 1 आता है, और 1 और 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 आता है, सॉरी फ्रेंड्स 0 आता है यहाँ पे, ठीक है, और 1 और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तब यहाँ पे 1 आता है। तो ऐसे हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल की
ए बी और वाई। जब हमने ए पर जीरो अप्लाई किया और बी पर भी जीरो अप्लाई किया, या मैं बोल सकता हूँ ए पर मैंने लो वोल्टेज अप्लाई की और बी पर भी मैंने लो वोल्टेज ही अप्लाई की, तो हमको आउटपुट भी जीरो मिलेगा, यानी कि यहाँ पे हमको जीरो मिलेगा। ऐसे हमने यहाँ पे जीरो अप्लाई किया और यहाँ पे वन अप्लाई किया, तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो जीरो आएगा, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। यहाँ पे फिर हमने वन अप्लाई किया, यहाँ पे जीरो अप्लाई किया, फिर हमको यहाँ पे जीरो मिल जाएगा, क्योंकि वन की मल्टीप्लाई हम जीरो में करते हैं यहाँ पे की ना, वन की मल्टीप्लाई जीरो में करते हैं, तो हमको जीरो प्रोवाइड हो जाता है। फिर वन और वन, ऐसे ही हमारा ये यहाँ पे आउटपुट वन आ जाता है। तो आपने समझा और गेट और एंड गेट, और जो हमारा थर्ड गेट होता है वो होता है नॉट गेट। तो नॉट गेट में क्या होता है, इसमें सिंपली एक आउटपुट इनपुट होता है फ्रेंड्स, और एक आउटपुट होता है। तो y इज इक्वल टू ए डैश, यानी कि जो भी हम a पर इनपुट अप्लाई करेंगे उसका यहाँ पे आउटपुट हमको उल्टा मिल जाएगा, उसके बिल्कुल अपोजिट मिल जाएगा। हमने यहाँ पे जीरो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वन मिल जाएगा, यहाँ पे हम वन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जीरो मिल जाएगा। ट्रूथ टेबल यही है इसकी, a और y, जीरो अप्लाई किया वन मिल गया, वन अप्लाई किया जीरो मिल गया, तो हमारा ये होता है नॉट गेट। अब हम बात कर लेते हैं नॉट गेट की। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा नॉट गेट होता है ये कॉम्बिनेशन होता है और गेट का और नॉट गेट का। हमने सिंपली यहाँ पे और गेट मेंशन किया, और जो ये यहाँ पे है ये नॉट गेट का सिंबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे नॉट गेट समझाया ना अभी, तो यहाँ पे नॉट गेट का ये सिंबल है यहाँ पे। तो ये कॉम्बिनेशन होता है और गेट का और नॉट गेट का। तो ट्रूथ टेबल, इसकी ट्रूथ टेबल क्या होती है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी और डैश। ये यहाँ तक a प्लस बी किसका हुआ, और गेट का, और ये यहाँ पे डैश लग गया, ये हो गया नोट गेट का। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये और गेट और नोट गेट का कॉम्बिनेशन है, इसकी ट्रूथ टेबल भी ऐसी आएगी इसी के अकॉर्डिंग। जीरो और जीरो क्या होता है, जब हम इसका ऐड करते हैं जीरो ही होता है, लेकिन यहाँ पे डैश भी तो लगा हुआ है, तो जीरो का अपोजिट क्या हो जाएगा, वन, तो हमको आउटपुट यहाँ पे वन मिल जाएगा। जीरो और वन जब हम इसको ऐड करते हैं तो वन आता है, लेकिन वन का अपोजिट क्या हो जाएगा, जीरो, इसलिए यहाँ पे जीरो आ जाएगा। वन प्लस जीरो हमारा ये वन हो जाता है, लेकिन इसका अपोजिट क्या होएगा, जीरो। वन और वन हमारा वन होता है, लेकिन वन का अपोजिट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे डैश लगा हुआ है नॉट गेट की वजह से। तो इसलिए हमारी ट्रूथ टेबल इसकी ये होगी। और जो हमारा फिफ्थ गेट होता है वो होता है नैंड गेट, आप यहाँ पे देख सकते हो नैंड गेट, इसका जो सिंबल होता है ये ऐसा होता है, और ये कॉम्बिनेशन होता है एंड गेट का और नॉट गेट का। ये हमारा यहाँ पे क्या है, एंड गेट, लेकिन यहाँ पे नॉट लग गया, तो ये नॉट गेट का हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। एंड गेट और नॉट गेट का ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है, इसमें दो इनपुट और एक आउटपुट होता है, और इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी डैश, इसमें डैश लग जाएगा। नॉट गेट यहाँ तक हो गया, सॉरी फ्रेंड्स, एंड गेट ए इंटू बी तक हमारा एंड गेट हो गया, और इसमें डैश लगते ही ये नॉट गेट भी इसमें कंबाइन हो गया, तो इसलिए हम इस गेट को बोलते हैं एंड गेट। इसकी जो ट्रूथ टेबल होगी वो ये होगी, ए बी, हमने यहाँ पर लो वोल्टेज अप्लाई की, यहाँ पे भी लो वोल्टेज अप्लाई की, या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे हमने जीरो अप्लाई किया, यहाँ पे हमने जीरो अप्लाई किया, तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमारा जीरो आता है, लेकिन जीरो का अपोजिट क्या होगा, वन होगा, तो हमारा यहाँ पे वन आ जाएगा। और फिर सेकंड में हमने क्या किया, यहाँ पे लो वोल्टेज अप्लाई की, बी पे हमने हाई वोल्टेज अप्लाई की, तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है, लेकिन जीरो का अपोजिट क्या हो जाता है, वन हो जाता है, तो हमने यहाँ पे वन लिख दिया। फिर वन और जीरो, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जीरो आता है, और जीरो का अपोजिट क्या होता है, वन, हमने यहाँ पे लिख दिया। वन वन की मल्टीप्लाई करता है तो वन आता है, लेकिन वन का अपोजिट क्या होता है, जीरो, तो इस वजह से हमने ये यहाँ पे जीरो लिख दिया। और जो हमारा ये नैंड गेट होता है, इसको हम यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।